सो फाइनली गाइज वेलकम बैक टू सी एस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइज अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप एक बार चैनल विजिट करो, प्रीवियस वीडियो जरूर देख कर आना। हमने COEP, VJTI, SPIT, PICT, वालचंद सांगली और फिर कल RCOEM के ऊपर प्लेसमेंट्स के ऊपर डिस्कशन किया कि भैया इन सब कॉलेज में एवरेज पैकेज क्या जा रहा है, मीडियन क्या जा रहा है, जिस हिसाब से आप अपने डिजायर्ड कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। अभी हम कट ऑफ के ऊपर भी सीरीज शुरू कर रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना और वीडियो को जरूर लाइक करके ही जाना। सो गाइज अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले MHT CET का दी बेस्ट कॉलेज। ये कॉलेज मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स पूरे महाराष्ट्र में बेस्ट है। आप सोच सकते हो SPIT से भी अच्छे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स ये कॉलेज दे रहा है, क्योंकि अगर आप पैकेजेस देखोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है जिनको हाई पैकेजेस मिल रहे हैं। हम पूरा डिस्कशन करेंगे, बट इस कॉलेज का एक ही प्रॉब्लम है, दिस कॉलेज इज ओनली फॉर वुमन्स। तो ये एक गर्ल्स कॉलेज है, बट इसकी प्लेसमेंट सबसे बेस्ट है इन दी पुणे साइड। पुणे में आप IIIT पुणे के साथ भी आप इस कॉलेज को कंपैरिजन कर सकते हो, बाकी PICT से भी अच्छे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स दे रहा है ये कॉलेज। सो गाइज इस कॉलेज का नाम है वुमेन्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमन्स। तो एक वुमेन्स कॉलेज है जिसमें मेल कैंडिडेट्स को एडमिशन नहीं मिलता, इट्स ओनली फॉर दी गर्ल्स। सो गाइज चलो इसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देख लेते हैं फटाफट कि गर्ल्स को कितने पैकेजेस मिलते हैं। सो फाइनली अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कमिंस पुणे। सो कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमन्स, सो इट्स अ वुमन्स कॉलेज, यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स का एडमिशन होता है, यहाँ पे कोई भी बॉयज़ के लिए रिजर्वेशंस नहीं है, सो ये चीज़ याद रखना। बट द कॉलेज का प्लेसमेंट जो है वो बहुत सही जा रहा है। अगर आप इस कॉलेज को कंपेरिजन करना चाहते हो तो ये कॉलेज प्लेसमेंट के टर्म्स में PICT से भी आगे बढ़ रहा है और आपका IIIT पुणे जो JEE मेन्स के थ्रू मिलता है उससे भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एवरेज प्लेसमेंट जो जा रहा है वो बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे गर्ल्स कैंडिडेट को बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस ऑफर हो रहे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हायरिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो 55 LPA गया था और एवरेज पैकेज जो जा रहा है इट्स अराउंड 12.5 LPA। थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे पहले कंपनीज कौन कौन सी आती है। सो यहाँ पे आप जितनी भी बड़ी कंपनी सोच सकते हो वो सब कंपनीज आती है, आपकी माइक्रोसॉफ्ट हो गई, वेस्टर्न डिजिटल हो गई, अमेजोन हो गई, सिस्को हो गई, फिर आपकी वॉलमार्ट हो गई, सारी अच्छी कंपनीज आएगी। अगर आप फाइनेंस करने जाओगे तो गोल्डमैन सैक हो गया, डच बैंक हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, सो वो सब आएगी। उसके बाद आप सर्विस बेस्ड कंपनीज में जाओगे, एसेंचर, इन्फोसिस, TCS, कॉग्निजेंट, कैपेजिन, सारी विप्रो, सारी आपकी जो बल्क हायरिंग वाली कंपनी है वो भी विजिट करती ही है, फिर मास रिक्रूटर्स जो होते हैं वो। उसके बाद ऑटोमोबाइल में टाटा मोटर्स, हीरो मोटर कॉप, फिर जितने भी आप सोच सकते हो महिंद्रा एंड महिंद्रा, सारी विजिट करेंगी। पुणे में जिनका पुणे इज़ एन IT हब, तो पुणे के जितनी भी IT कंपनीज जो भी है वो सब तो आती ही है इस कॉलेज में, और इस कॉलेज में ज़्यादातर सब फीमेल्स ही है, सो जो उनको फीमेल रिजर्वेशंस जो रहते हैं कंपनीज़ में उनको फुलफ़िल करने के लिए उनको इस कॉलेज में तो आना ही पड़ता है। सो अभी हम देखेंगे प्लेसमेंट्स देख लेते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है इस कॉलेज के। सो DE शॉव ने एक स्टूडेंट को हायर किया एट 55 LPA, चलो माना वो सही है। फिर पार ऑल्टो ने एक स्टूडेंट को हायर किया 54 LPA पे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 8 स्टूडेंट को हायर किया एट 50 LPA। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देख रहे हो जाके देखो, COEP देखो, VJTI देखो, SPIT देखो, PICT देखो, इतनी बल्क में हायरिंग कभी नहीं हुई है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने उठाया, एक दो को उठाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं उठाया, ना ही SPIT में उठाया, बट इन कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 8 स्टूडेंट को हायर किया 50 LPA माइक्रोसॉफ्ट ने। फिर DE शॉव ने वापस 1 को उठाया 48.75 LPA। फिर एटलांशियंस ने 5 एट 38.04 LPA। फिर आगे देखोगे तो वॉलमार्ट ने 11 को हायर किया 25.67 LPA। सिस्को ने 5 को हायर किया 24 LPA। सैप ने 6 को हायर किया 24 LPA। फिर आप नीचे और जाओगे तो डच बैंक ने 13th को हायर किया एट 19.63 LPA। वेबटेक ने 1 एट 18 LPA। सिटी बैंक ने 29 स्टूडेंट्स हैव बीन हायर्ड बाय सिटी बैंक एट 18 LPA। फिर और नीचे ओरेकल 17 स्टूडेंट्स को हायर किया एट 17.97 LPA। सो आप नंबर्स देखो, JP Morgan के 14 को हायर किया। सो ये जो हायरिंग के नंबर्स जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट बहुत ज़्यादा है। आप अगर प्रीवियस वीडियोस जाके देखो, सारे कॉलेज के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स हमने कवर किए, बट इस कॉलेज में आपको जो पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं और उसके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हायर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। सो इसीलिए इस कॉलेज का एवरेज पैकेज भी इज़ अराउंड 12.5 LPA। बाकी सारी बड़ी कंपनीज आती है इसमें, आप डेटा देख सकते हो। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो, 29 स्टूडेंट्स आर हायर बाई सिटी बैंक, 17 आर हायर बाई JP Morgan, ओरेकल्स ने 17 को हायर किया, JP ने 14 को हायर किया। सो आप
नंबर्स देखो आप, लुइस ने 14 को हायर किया, उसके बाद सैप पोर्टल ने 6 को हायर किया, वॉलमार्ट ने 11 को हायर किया, एंड बिगेस्ट नंबर इज माइक्रोसॉफ्ट ने 50 पे 8 स्टूडेंट्स को हायर किया। सो यही सब नंबर्स इस कॉलेज को ऑसम बनाते हैं। बाकी अगर आपको अगर COEP नहीं मिल रहा तो फिर आप कमिंस भी ले सकते हो, PICT भी ले सकते हो, इन दोनों में टक्कर चलती है, बट कमिंस इज़ फॉर जस्ट अ फीमेल कैंडिडेट्स, ये बात याद रखना। सो गाइज यही था एक छोटा सा वीडियो, और कमिंस के लिए जो कट ऑफ रहती है उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि आपको टारगेटेड परसेंटेज क्या लानी है। बट फिलहाल के लिए आप MHT CET में टारगेट करके रखो कि 98 के ऊपर मुझे परसेंटेज लानी है अगर मुझे ऐसे टॉप कॉलेजेस में जाना है तो, फॉर CS, IT एंड अदर टेक ब्रांचेस। That's all. So guys, इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करते रहेंगे, बट हमारा WhatsApp ग्रुप का लिंक है नीचे कमेंट सेक्शन में, WhatsApp ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रख देना। आपकी जो भी एग्जाम्स की अपडेट आती है, JEE मेन्स हो गया, MHT CET हो गया, फिर आपका BITSET हो गया, VIT EEE हो गया, जितनी भी एग्जाम्स है सारी एग्जाम्स की अपडेट आपको WhatsApp ग्रुप पे मिलती रहेगी। सो WhatsApp ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, भूलना मत। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी प्लेसमेंट्स के लिए तो लाइक करना बनता ही है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।